बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपने इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं आपने पढ़ लिए होंगे, तो इससे रिलेटेड जो इस एलो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसके आंसर दे सकते हैं तो इट मीन्स कि आपने इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझ लिया है। तो सिंपल नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और शायद यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। एक ये है कि सिंपल इलेक्ट्रोलाइट को डिफ़ाइन करो, उसके एग्जांपल लिख ले। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इलेक्ट्रोलाइट को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे और हाउ डज़ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा क्वेश्चन है कि स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फ़र्क है। चौथा क्वेश्चन है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल दे और इसके एक्वियस सॉल्यूशन में जो बिहेवियर है उसको आप एक्सप्लेन करें कि एक्वियस सॉल्यूशन में इसका क्या बिहेवियर होता है। पांचवा है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के डिसोसिएशन के एतबार से इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क है। छठा क्वेश्चन है कि आप किस तरह डिटरमिन करेंगे कि सब्सटेंसेस वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके आंसर हम आगे वो मैंने दिया है, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लें कि आप किस तरह जो सब्सटेंसेज है उसको आप वीक इलेक्ट्रोलाइट वो तस्लीम करेंगे। और दूसरी बात कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें तो इसी दीवार से ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से कैसा डिफरेंट है। सातवां क्वेश्चन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो इस हवाले से आपने इसमें डिफरेंशिएट करना है। और ये एक्सप्लेन करें कि क्यों कुछ ख़ास चीज़ें वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, उनको हमने कैटेगराइज किया है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल दे दें। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दें कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन शुगर सॉल्यूशन नहीं कर सकता, ऐसा क्यों है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, उनका आपने आंसर देना है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है एंड हाउ डज़ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं या मोल्टन स्टेट में यानी पिघली हुई हालत में, और ये डिसोसिएट हो सकता है यानी आयनाइज हो सकता है। और आयंस, आयनाइज का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को ले लें, ये सी आप लार्ज कैपिटल वर्ड में लिख लें, कैपिटल लेटर में लिख लें, तो सोडियम क्लोराइड ये आयनाइज हो सकता है वाटर में सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में, और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाता है। इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी आयनाइज हो सकता है, पोटासियम क्लोराइड भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फ़र्क है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आयनाइज हो सकते हैं कम्प्लीटली इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी एक्वियस सॉल्यूशन में जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट होंगे, आयनाइज होंगे या पिघली हुई हालत में, और ये लार्जर एक्सटेंट तक वो करंट वो कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि आयंस के जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये करंट टू अ लार्जर एक्सटेंट वो कैरी कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को ले ले, तो ये 100% ये आयनाइज हो सकता है, तो इसी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा। इसके बरकस वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस है जो कि मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होते बल्कि पार्शियली वो आयनाइज हो जाते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में या मोल्टन सॉल्यूशन में, मोल्टन स्टेट में यानी पिघली हुई हालत में, और जो करंट कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
it is not bad conductor, but we can say poor conductor, यानी ये slightly current वो conduct कर सकते हैं. Examples है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एसीटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है. Can you provide example of strong electrolyte and explain their behavior in aqueous solution? क्या आप strong electrolytes के example दे सकते हैं और उसकी behavior आप explain करें कि aqueous solution में इसका क्या behavior होगा. तो strong electrolyte जैसा कि sodium chloride है, hydrochloric acid है, sulfuric acid, nitric acid वगैरह, ये aqueous solution में completely dissociate हो सकते हैं और इसी वजह से ये ionize होकर ions बनाते हैं और conducting electric current, और ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं टू अ वेरी लार्ज टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है. व्हाट डिटरमिन द क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस एज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड हाउ डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट? वही जो हमने पढ़ा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो पार्शियली आयनाइज होते हैं सोल्यूशन में, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं हो सकते, तो इसी वजह से ये करंट वो कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन टू अ लेसर एक्सटेंट देन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मुकम्मल डिसोसिएट हो सकते हैं. और दूसरी बात, वो करंट कंडक्ट कर सकते हैं लार्जर टू अ लार्जर एक्सटेंट. सातवां क्वेश्चन है, हाउ डू वीक इलेक्ट्रोलाइट डिफर फ्रॉम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कंसर्निंग देयर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये पार्शियली करंट कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू पार्शियल आयनाइजेशन, जबकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं फुली इन सोल्यूशन, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली आयनाइज हो सकते हैं और इसी वजह से ये कंडक्ट कर सकते हैं करंट को टू अ लार्जर एक्सटेंट. तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट. अच्छा, आठवां क्वेश्चन है कि कुछ चीज़ों को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और ये इससे क्यों है, उसकी एग्जाम्पल दे. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस है जो मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होते एक्वियस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर हम बेंजीन की बात करें, शुगर की, यूरिया की, यूरिया भी आयनाइज नहीं होता और इस तरह ग्लूकोज की भी. अच्छा, ये बात नोट करें कि जैसा कि आपने पढ़ा कि शुगर आयनाइज नहीं होता, हाँ शुगर वाटर में डिजॉल्व होता है, इसको सॉल्वेशन प्रोसेस कहते हैं, लेकिन ये आयनाइज नहीं होता. इसी वजह से जब ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो लिहाजा ये करंट कंडक्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से इसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. कंपेयर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी. तो असल में दो फ़र्क है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, एक इन टर्म ऑफ आयनाइजेशन यानी डिसोसिएशन और दूसरा इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी. तो इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज नहीं होते. दूसरा फर्क यह है कि इलेक्ट्रोलाइट वो करंट वो कंडक्ट कर सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं कर सकते. यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी की बात है. तो इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में. वजह यह है कि ये एक्वियस सॉल्यूशन में आयनाइज होते हैं या मोल्टन स्टेट में. फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड को ले लें, HCl को, KCl को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को. अच्छा, यहाँ पर सी आप कैपिटल लेटर में लिख लें, NaCl क्लोरीन है, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो करंट कंडक्ट नहीं कर सकते सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में, क्योंकि ये आयनाइज नहीं होते. फॉर एग्जांपल, बेंजीन, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज एट्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाई डज एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट शुगर सॉल्यूशन डजंट? तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि शुगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ये है कि वो कम्प्लीटली आयनाइज होता है और कंडक्ट करंट टू अलार्जर एक्सटेंट, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो आयनाइज नहीं होता, लिहाजा वो करंट कंडक्ट नहीं कर सकता. तो ये आपका टॉपिक था. जहाँ पर आपको मुश्किल हो तो आपको कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा. अल्लाह हाफिज़.